राय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रांची एम्स में एडमिट किया गया है। सूचना पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप उनसे मिलने रांची पहुंचे। मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। लेकिन भारी गिरावट जो है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं निमोनिया है तो कहीं कोरोना है तो नहीं। जी जी, लेकिन वो तो टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे, जब तक एनालाइज नहीं किया जाता कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ हो सकता है, कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, तो ये तो हम देखे वो बातें। जब तक आपकी जितने सवाल हैं, जब तक पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके लंग्स में भी पानी है, तो लंग्स में जब पानी आ जाती है और जब किडनी मात्र जब 25% ही काम कर रहा है, प्लस आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको शुगर की बीमारी है और उम्र जो है वो 70+ है, तो जाहिर सी बात पे हम लोगों की चिंता है। और कोई भी चाहेगा कि बेहतर से बेहतर इलाज मिले लोगों को, लेकिन आपके जितने सवाल हैं, जब तक सारे रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, जब तक रिपोर्ट्स डॉक्टर जो हैं वो देख करके उनका क्या राय है, जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग इस पर आज शाम को भी तबीयत खराब हो गई। तेजस्वी जी, आपके सामने भी बहुत स्थिति जो है चिंताजनक है। अभी आप कह दें कि भाई नहीं, ठीक नहीं है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, क्रिएटिन जो है वो बढ़ गया है पहले से, तो चिंताजनक स्थिति है। अपने पिता से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि राय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चेहरे में सूजन है, वे बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें बेहद इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा सकते हैं। शुक्रवार को बीमार पिता से मिले तेजस्वी यादव ने भावुक होकर कहा कि वे रांची में रहकर उनकी देख रेख करेंगे। लालू की बीमारी का हाल बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके फेफड़े में पानी भर गया, उन्हें निमोनिया हो गया, जाँच रिपोर्ट आने के बाद एम्स दिल्ली ले जाने पर फैसला करेंगे। शुक्रवार रात लगभग 1 बजे पिता से मिलकर रिम्स के पेइंग वार्ड से बाहर निकलते तेजस्वी ने कहा कि लालू पहले से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे में लगातार क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ रहा है, उनका शरीर पहले के मुकाबले बेहद गिर गया है।